बेटा आज 5 सितंबर है, हम सभी जानते हैं, हमारे भारत के एक महान, बहुत सारी पदवियां जिनको दी जाती हैं, भारत के राष्ट्रपति रहे 5 साल, उपराष्ट्रपति रहे 10 साल, आज़ाद भारत में जब एजुकेशन पे सबसे पहला काम हुआ तो उनको एजुकेशन कमीशन का मुखिया बनाया गया। अब सुन लो बेटा, छोड़ दो उस तरफ, मत ध्यान दो, कुछ सुन लो, सीख लो, क्या पता कहाँ इसका ये क्वेश्चन मिल जाए। इंडिया जब आज़ाद हुआ 1948 में, तो हमने शिक्षा पे काम किया और शिक्षा के लिए पहला कमीशन बनाया जिसका नाम रखा यूनिवर्सिटी कमीशन, उसी को हम कहते हैं राधा कृष्णन आयोग। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी, सर्वपल्ली उनके गांव का नाम था। इंसान जब अच्छे कर्म करता है ना, तो अपना, अपने परिवार का, जिस खानदान से वो है, जिस गांव से, जिस एरिया से है, उसका भी नाम बुलंदियों तक पहुंचाता है। तो सर्वपल्ली उनके गांव का नाम था, साउथ इंडियन थे, इतना डेडिकेटेड थे काम के प्रति, एक टीचर के रूप में उन्हें लगता था उनकी सबसे बेहतरीन आइडेंटिटी है। तो जब वो 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने चुनाव के थ्रू, तो उनके जितने स्टूडेंट्स थे, क्योंकि एक एज तक पहुंचते पहुंचते ढेर लोगों ने उनके थ्रू पढ़ लिया था, तो उन सब ने कहा सर आज आप देश की सबसे बड़ी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपका जन्मदिन राष्ट्रपति दिवस के रूप में मनाएंगे। तब उन्होंने कहा था कि भई अगर मैं कभी चला भी जाऊं, तो मेरी इच्छा ये है कि मुझे याद करो तो एक महान शिक्षक के रूप में, कि मैंने अगर कुछ भी योगदान दिया तो मुझे टीचर के रूप में याद करना। 1960 में ये बात उठने लगी थी, क्योंकि तब ये हो गया था कि आने वाले टाइम में राष्ट्रपति यही बनेंगे। तब फिर 60 में हमने मनाया, पर खुल के भारत के राष्ट्रपति के पद पर जब वो बैठे 1962 में, तब हमने उनको एक टीचर के रूप में, एक जैसे पूरे संपूर्ण भारत में एक मान्यता मिल गई कि हाँ ये एक सिंबल हैं, कि अगर टीचर हो तो इन जैसा हो, इतना काबिल हो। और अच्छा टीचर पता है क्या होता है, जैसे कल मैं एक, जहाँ से मैंने 11वीं 12वीं की, केंद्रीय विद्यालय से मैं पली बढ़ी, वहीं पे मैंने सब कुछ सीखा, तो उनके ग्रुप में मैं एक मेंबर हूँ। वहाँ से कल एक मेरे खास टीचर थे, 9th, 10th, 11th, 12th अंग्रेजी पढ़ाने वाले, इंग्लिश पढ़ाते थे, और ये प्राउड की बात है कि वो हरियाणा की मिट्टी से निकले हुए, बहुत साधारण से परिवार से, और फिर वो केवी में टीजीटी पहले लगे, फिर पीजीटी लग गए। तो उन्होंने मेरे पास एक आर्टिकल भेजा, बीबीसी किसी इसके थ्रू था, कि टीचर का असली रोल क्या है। तो उसमें बहुत खूबसूरत शब्दों में बयां किया हुआ था, सारा तो मैं नहीं बताऊंगी यहाँ, लेकिन अगर सार बताऊं तो उसमें लिखा था कि महज तथ्यों को रटाने वाला इंसान ही अच्छा टीचर नहीं बन सकता, तथ्य तो कोई भी रटा देगा, वो काम तो रोबोट भी कर देगा, लेकिन असली टीचर वो है जो ज़िंदगी जीना सिखाए, एक फिलोसोफर के रूप में, एक गाइड के रूप में। जब हम ज़िंदगी में कभी परेशानियों से घिरे हों, जब हम, क्योंकि लाइफ बहुत बहुत अनप्रिडिक्टेबल है बेटा, आज हम यहाँ बैठे हैं, हमें नहीं पता 4 दिन बाद हम सबकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, तो उस टाइम पे जब कभी दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, तब हमारा व्यवहार कैसा होगा, ये बहुत सारी चीज़ें आप अननोइंगली टीचर से सीख लेते हैं। तो जो टीचर अच्छा मेंटर हो, गाइड हो, एक फिलोसोफर के रूप में, एक गाइड के रूप में हम सबकी हेल्प करे, वो सबसे बेस्ट टीचर है। और टीचर महज किताबों के तथ्यों को रटा के अच्छा टीचर बन नहीं सकता, एग्ज़ाम पास करा देगा, अच्छे नंबर ले आएगा, लेकिन लाइफ जीना ना बेटा बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। अभी तुम जिस स्टेज में हो, तुम लोगों को नहीं पता, लेकिन जब तुम 35, 40, 45, 50, 60 जितनी उम्र भागेगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि लाइफ को बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आप प्रॉब्लम्स में घिर जाते हैं, तब हमें ज़िंदगी कैसे जीनी है, तब हमें किस तरीके से लोगों के साथ डील करना है, ये जो सिखा देना, वही असली में गुरु है, वही असली में शिक्षक है। तो ये